बटोगे तो कटोगे का शिवसेना समर्थन कर रही है, क्या आप भी समर्थन कर रही है क्योंकि आप अलायंस में हैं? सी वी आर बेसिकली सेक्युलर पार्टी, जो शरद पवार जी बोलते हैं हम लोग उसको मानते हैं, हम उसी को मानते हैं कि शरद पवार ने कभी ही वैसे बोला नहीं है कि बटोगे तो कटोगे, ये तो हमारे पार्टी से तो कभी ही बोला नहीं है। ये हमारा स्टैंड है कि हमारी पार्टी ने ये कभी ही बोला नहीं है। एंड उन्होंने भी शिवसेना ने भी कैसे ऐसे बटोगे तो कटेंगे। सी नाउ महाविकास आघाड़ी इज अ वेरी सेक्युलर पार्टी, वो सबको एक साथ लाने की कोशिश कर रही है और एक साथ उनको सबको इक्वल इम्पोर्टेंस दे रही है। आप पार्टी में भी देखो, हमारी पार्टी में ऐसा है जो महाविकास आघाड़ी में आप वोट आप सीट्स भी देखेंगे, जो सीट्स है उसमें भी आप देखेंगे तो कांग्रेस शिवसेना और कटोगे पे क्लियर करना चाहता हूं मैं। आप पद्मा जी, आई वांट टू आंसर। आदला सर, मैम प्रकाश अंबेडकर साहब ग्रैंड सन है जो बाबा साहब अंबेडकर के, वो भी औरंगजेब के मजार पे गए थे। बीजेपी की औकात नहीं थी प्रकाश अंबेडकर पे बोलने। देवेंद्र फर्नांडिस के मुंह पे चुप्पी दर गया, दही जम गया। प्रकाश अंबेडकर साहब ग्रैंडसन है, ग्रैंडसन है बाबा साहब अंबेडकर के, वो गए थे बीजेपी की हिम्मत नहीं। और अफजल गुरु के स्टैंड पर महबूबा मुफ्ती के साथ जो सरकार बनाई, छगन भुजबल पर, अजीत पवार पर, नारायण राणे पर, बतलाइए ना जो भ्रष्टाचारी थे, उस चक्की पीसिंग क्या हुआ देवेंद्र फर्नांडिस का? अजीत पवार भ्रष्टाचारी आज मुक्त हो गए, वॉशिंग मशीन में अमित शाह के घुल गए क्या? और अफजल गुरु पर क्या स्टैंड है? और महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाए उस पर क्या है इनका स्टैंड? नवाज शरीफ क्या मोदी जी कहते? और कंधार में अजहर मसूद जो सबसे बड़ा आतंकवादी है, उसको बीजेपी छोड़ी थी कंधार में जाकर। शहजादपुरा वाला, आपको सारे जितने भी कंस्टिट्यूएंट से आघाड़ी के उससे जवाब मिल गया ना? वो कह रहे हैं सबका अपना अपना स्टैंड हो सकता है, शिवसेना का अपना स्टैंड हो सकता है, हम सबको एक रखेंगे और नेक रहेंगे आघाड़ी में। सुरैना जी भी अपना नेक रहेंगी, संजय गुप्ता भी नेक रहेंगे। हमसे विरोध किया था उसके साथ आज बीजेपी है। ठीक है शहजाद पूनावाला, इसमें छठ का विरोध किया था उसके साथ आज बीजेपी। देखिए बात तो बिल्कुल सही है, देखिए ऐसा है, आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। वैसे तो आप जय पैलेस्टाइन करते हो और अमेरिका डिप्लोमेट से ओवैसी साहब मिल लेते हैं और अमेरिका का सबसे जिगरी दोस्त इजराइल है, तो जय इजराइल भी बोल दो आप। आप जय इजराइल और जय जायनिज्म भी बोल दो। अब यही आपके लिए बचा है। आपको तो आपको आप यहाँ पर आकर जय फिलिस्तीन करते हो, वहां आपका नेता अमेरिका के नेताओं से मिलता है। चलिए छोड़ दीजिए, देखिए आपको तो एमबीए भी सीरियसली नहीं लेती आदिल साहब। अब आदिल साहब आपको तो एमबीए भी सीरियसली नहीं ले रही है। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, हाथ पैर मार रहे हो, आपको इतनी हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। आपको कोई सीरियसली नहीं, नहीं सीखना। आप लगे रहिए, आप 15 मिनट करते रहिए, कोई सीरियसली नहीं ले रहा। अरे कोई सीरियसली नहीं ले रहा आप। अरे बोल चलाइए ना वीडियो, आप चलाइए वीडियो, आप चलाइए वीडियो और ये भी वीडियो चलाइए। आदिल साहब आप ये भी वीडियो चलाइए, आदिल साहब आप ये भी वीडियो चलाइए, चलाइए वीडियो, वीडियो चलाइए और चलाइए कि कैसे ओवैसी याकूब मेमन की पैरवी कर रहा था, ये भी वीडियो चलाइए। तुम्हारा नेता रजाकारों के तलवे चाट रहा था। अच्छा अच्छा, नरेंद्र मोदी सनातनी नहीं है, उसका क्या है? उसने चार धाम की यात्रा भी नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने भी वीडियो चलाओ कि याकूब मेमन का पैर चार धाम की यात्रा भी नहीं किया, तुम्हारा नेता भी नहीं है, वो क्या है? छोड़िए सनातनी नहीं है, नरेंद्र मोदी को गाली बक रहे थे। ठीक है, आप क्योंकि एकजुट मुद्दे पे, हाँ ठीक है मुद्दे पे आइए, इससे पहले क्योंकि अब एकजुट करने की बात हो रही है। ओवैसी साहब अपने वोट को एकजुट करने के लिए उन्होंने क्या कहा? लगातार आप एक एंटी मुस्लिम माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ शहजाद, एक सेकंड, एक चीज और मैं जो उन्होंने बोला है, उन्होंने जो बोला है असदुद्दीन ओवैसी ने, वो एक बार सुनाना चाहती हूँ, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, अपनी बात पूरी कीजिएगा। कैसे वो कह रहे हैं आप अपने वोटर्स को एकजुट करते हैं मुसलमानों के खिलाफ माहौल बना के, एक बार सुन लेते हैं। अब बीजेपी के उम्मीदवार है, अब उन्हें तो खाली गाली दे रहे मेरे को, ये ऐसा वो ऐसा, वफ का हम वो ले लेंगे, हम मस्जिद ले लेंगे, हम कब्रस्तान ले लेंगे, हम खानखा ले लेंगे, हम फुला ले लेंगे। अरे भाई साहब, आप क्या क्या लेना चाहते, क्या क्या लेना चाहते आप? याद रखो, हम भी ले सकते हैं तुम्हारी, याद रखो। आओ 20 तारीख को हम लेंगे, क्या लेंगे वो तुमको मालूम, 20 तारीख को हम लेंगे, क्या लेंगे? धूलिया की सीट फारूक शाह के लिए लेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आप AIMIM का इस्तेमाल कर लीजिए, 20 तारीख को आपको वो जवाब देंगे शहजाद पूनावाला।
देखिए ऐसा है कि ओवैसी साहब को मैं ज्यादा सीरियसली लेता नहीं हूँ, वो याकूब हम भी मेमन नरेंद्र की मोदी और शहजाद को सीरियस नहीं लेते हैं, रजाकारों के डीएनए से आते हैं। रजाकार तुम हो गए, रजाकार तुम हो गए। अच्छा तू तड़ाक नहीं प्लीज, एक एक करके आपने बोला ना, करूंगा टीवी चैनल पे, आपने बोला ना सर, आप पे वापस आऊंगी आदिल साहब, शहजाद पूनावाला। देखिए आदिल साहब तो ऐसे बोलेंगे ही, क्योंकि उनकी समस्या क्या है कि उनको ना गली का छोड़ा है ना घाट का, ना एमवीए चारा डाल रही है ना मुसलमान का। हमारे कल तक नरेंद्र मोदी सनातनी थे, नहीं थे नरेंद्र मोदी का क्या होता है ना गली का ना घाट का, कौन होता है ना गली का ना घाट का। राहुल पद्मजा जी देखिए, मैं इस प्रकार की पद्मजा जी मैं आपके शो के स्तर को एक करके हम बोलेंगे प्लीज, यदि आप चाहते हैं करके बोलेंगे, वापस हम वही चीजें दोबारा दोबारा बोल रहे हैं, एक एक करके जवाब देंगे, जो जवाब दीजिएगा का कंट्रोल करें और अपने वक्त पे जवाब दीजिएगा। शहजाद नहीं, मैं उल्टा सीधा नहीं बोलने देंगे, उल्टा सीधा यहाँ पे सुनने नहीं बैठा हूँ, शहजाद को बोलिए शब्द का सही प्रयोग करें। ठीक है, देखिए आदिल हसन और उसकी पार्टी जो है वो हिजबुल्ला के पेजर की तरह है, बात बात पे फट जाती है। देखिए जैसे शहजाद की पार्टी जो है फटने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ठीक है, अपनी बात पूरी, टाइम बॉम्ब है ये, फटने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। अब मैं बात अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। देखिए मैं आज केवल इतना कह रहा हूं कि अगर ये माइंड सच्ची में इतना इन्होंने एमवीए के पास एजेंडा है, तो ये एजेंडा गिनाए ना कि 2.5 साल में उद्धव ठाकरे के जमाने में किया क्या, एक काम गिनवा नहीं पा रहे। कभी महिला को बकरी बोलते हैं, कभी किसी को इंपोर्टेड माल बोलते हैं, कभी किसी महिला का और प्रकार से अपमान करते हैं, और एक ही एजेंडा है कि हिंदुओं को जातियों में बांटो और मुसलमान वोट एक करो। और अगर ऐसा नहीं है, बाबा साहेब ठाकरे का स्टेटेड स्टैंड है कि ही इज अगेंस्ट द कास्ट सेंसस, संजय गुप्ता से भी पूछ लीजिए। अब मैं पूछना चाहता हूं मल्होत्रा जी से फिर से कि एक बार बताइए मल्होत्रा जी कि बाबा साहेब ठाकरे सही कास्ट सेंसस पर या राहुल गांधी सही। सुरेना जी तो नहीं, मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने भी एक क्वेश्चन पूछा कि जो जहां जब एमवीए महाराष्ट्र में लीड कर रही थी, महाराष्ट्र में ये कर रही थी, तो तभी उन्होंने क्या किया, ये बात आपने पूछी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब एमवीए थी तभी कोविड का सीजन था, और आपने जब भी देखा, ये बात मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि कोविड का जब भी सीजन, कोविड जब भी कोविड था, एट दैट टाइम हाउ दे वर्क्ड, यू मस्ट हैव सीन हाउ दे वर्क। उद्धव जी, हमारे राजेश टोपे जी जो आरोग्य मंत्री थे, उन्होंने कितना वेरी वेल प्लान्ड कोविड को उन्होंने हैंडल किया था। कितने सारे दे एडमिटेड देमसेल्फ कि वो डॉक्टर नहीं है, मगर उनको ज्ञान चाहिए। I am a doctor, medical doctor. No, so that is not the issue. How you handle Mantrali in the latest? No, in the latest, how you handle the main thing is how they handled COVID. Or please let me talk. Why are you talking in between? Why are you talking in between? Why is Shahzad disturbing every time? We never talk. आप क्यों उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, सुरेना जी को बोलने दीजिए। शहजाद डिस्टर्ब कर रहा है, एक एक करके प्लीज। सुरेना मल्होत्रा बोलेंगे। आदिल आदिल ड्यूरिंग आदिल की आदिल की हैसियत 12th मैन की है। सुरेना मल्होत्रा बोलेंगे, शरद पवार के लिए जाएगी। अरे 12th मैन का जो टॉपिक है भटक रहा है, भटकने की क्वेश्चन नहीं। उन्होंने जो बात की, उन्होंने बात किया कि what they did was, I am telling you the best thing what they did was, and they handled COVID so beautifully. I am a doctor, so I want to make this statement over here. They took so many seminars, so many doctors were invited. So many doctors को उन्होंने invite किया, और उन्होंने वहाँ मतलब बताया कि हाँ हम doctor, medical doctor नहीं, हम doctors नहीं है, हमें सब ज्ञान लेना है मेडिकली। उन्होंने सब पूरा अंडरस्टैंड किया, वैक्सीनेशन के बेनिफिट अंडरस्टैंड किए, हाउ टू कैसे कंट्रोल करना है कोविड को, ये पूरा उन्होंने सीख लिया। और जो धारावी में इट वॉज वेल अप्रिशिएटेड वर्ल्ड वाइड, धारावी में कैसे इतने क्राउडेड जगह में कोविड को कंट्रोल कैसे किया गया, दिस वॉज वेल अप्रिशिएटेड। तो फिर आप उसी मुद्दे पे आप वोट मांगे ना, किसी वोट बैंक के मुद्दे पे क्यों वोट मांगे? तो ये बात पे तो हम लोग वोट मांगते ही है कि अवर महाविकास आघाड़ी इज सो साइंटिफिक, एंड ये तो उन्होंने नहीं किया कि थाली बजाओ, तालियां बजाओ, दिए लगाओ।